हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटर, जिसमें आपको पता होगा ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट जो हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं, या जो हम किस तरीके से अपने लोकल सर्वर पर URL को राउटिंग करवाते हैं, URL को किस तरीके से हमारा URL काम करता है। तो उसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सब सिंपल यहाँ पे कुछ लिख के बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए PPT नहीं बना रहा हूँ। थोड़ा टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं PPT बनाऊँ, क्योंकि PPT से ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि PPT आपको जानना हो। आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको जानना है, ये नहीं कि आपको PPT देखना है, आपको कोडिंग जानना ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा URL किस तरीके से काम करता है। आप अभी फ़िलहाल हम लोकल सर्वर पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमेशा क्या होता है कि लोकल जो होता है ना, लोकल होस्ट, वो कॉल होता है सबसे पहले। उसके बाद में कॉल होने के बाद में जाएगा हमारे कंट्रोलर के अंदर, जिस कंट्रोलर का नाम होगा वहाँ पे जाएगा, यानी कि कंट्रोलर के नाम के अंदर जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं, URL कोऑर्डिनेटर। URL किस तरह काम करता है, पहले काम जाता है आप जाप जाते हो, या अगर मतलब लोकल सर्वर पे है तो लोकल होस्ट लिखना पड़ता है, अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या होता है कि इस तरीके से राउटिंग करवाता है आपका URL। पहले लोकल होस्ट पे जाना होता है, उसके बाद कंट्रोलर के अंदर जाना होता है। अब कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर को मैं छोटा कर देता हूँ, कंट्रोलर के अंदर जाता है। उसके अंदर जाने के बाद में क्या होता है कि इसके अंदर जो नाम होता है ना, जैसे कि कंट्रोलर का नाम, किस नाम का बंदे ने एक्सेस करना चाहता है, यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता है कि हेलो वाला करना चाहता है कि स्कूल वाला चाहता है, किस नाम का वो डिस्प्ले करना चाहता है, उसके अंदर जाएगा वो। इसके अंदर जाने के बाद में इसके अंदर उसे फंक्शन मिलेगा, जैसे कि देखिए इसके अंदर उसे दो फंक्शन मिलेगा, छोटा करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसके अंदर उसे दो फंक्शन मिल रहा है, एक है इंडेक्स और एक कहाँ हम बना लेते हैं यहाँ पे छोटा करके, ये बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, कोई भी नाम ले लीजिए। लास्ट में हम ब्लॉग का काम किए थे तो ब्लॉग लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में क्या करता है ना कि इसके अंदर चला जाता है, यानी कि इसके अंदर दो फंक्शन हमारे पास, एक फंक्शन यहाँ पे है इंडेक्स नाम का, एक फंक्शन यहाँ पे है हमारे ब्लॉग नाम का, तो हमारे पास दो है। तो इसके राउटिंग में जब भी वो राउटिंग करवाता है तो कंट्रोलर का नाम लिखता है, यानी कि कंट्रोलर का नाम लिखने का मतलब क्या, कंट्रोलर का क्लास का नाम लिखता है। अगर हम ये बात समझे तो भी समझ जाएंगे, यानी कि कंट्रोलर का नाम लिखता है। उसके बाद में उसके अंदर जाता है, जिसके भी अंदर जाता है, जैसे कि इसका नाम जाए तो यहाँ पर लिखेगा डिस्प्ले, इसके अंदर जाएगा तो लिखेगा हेलो। चलिए मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो स्कूल के अंदर जाएगा, तो स्कूल के अंदर आने के बाद में अगर उसने यूज़र ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्कूल के अंदर का जो डिस्प्ले इंडेक्स है ना, ये कॉल हो जाएगा। जो इंडेक्स का फंक्शन होगा इसके अंदर जो भी होगा वो कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे उसने और कहीं जाना है, जैसे कि यहाँ पे और दो है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन फ्यूचर में तो यहाँ पे 10-20 हो सकता है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे बहुत होगा। और मैं प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको रियल लाइफ में किस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो भी आपको समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लो हमें ब्लॉग में कॉल करना है या इंडेक्स को कॉल करना है, जिसको कॉल करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट देके फिर उसका नाम लिखेंगे, यानी कि फंक्शन का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे फंक्शन बोल रहे हैं हम, बाकी और कहीं भी जाएंगे ना तो वहाँ पे फंक्शन नहीं बोलते हैं, वहाँ पे बोला जाता है क्या, मेथड बोला जाता है। तो मेथड का नाम लिखेंगे। अगर आपको इसके अंदर इंडेक्स के अलावा किसी और पे जाना है तो उसका फंक्शन का जो होगा ना नाम, वो नाम लिखना होगा इस तरीके से। आप चाहे फंक्शन बोलो चाहे आप मेथड बोलो, एक ही बात है। लेकिन आप यूजुअली लोग ऐसे मेथड नाम से जानते हैं, क्योंकि जावा और सी प्रोग्रामिंग सारे में यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे मेथड बोला जाता है, लेकिन यहाँ में PHP में उसे फंक्शन बोला जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। इसके बाद में अगर आपके पास यहाँ पे कोई पैरामीटर पास किया है, जैसे कि इसके अंदर तो जो होता है ना, इसके अंदर पैरामीटर बोला जाता है, इसके अंदर कोई आप कुछ पास करवा सकते हो, जैसे कि नाम मैंने पास करवा दिया।
तो इसके अंदर जो पास होता है उसे बोला जाता है पैरामीटर। तो यूजर पैरामीटर भी पास कर सकता है, तो अगर यूजर ने पैरामीटर पास किया तो सलेस उसके मेथड के अंदर उसके बाद में यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसका पैरामीटर का नाम, यानी कि जो भी पैरामीटर होगा ना उसका नाम लिखना होगा इसी यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना पहले से ही आ रहा है इतना, अभी ये नया सिर्फ एक ही आया है पैरामीटर। अब इसका एग्जांपल मैं एक लाइफ एग्जांपल ही दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं इसी को एक्सेस करना चाहता हूँ स्कूल को, और स्कूल के अंदर जो ब्लॉग है ना इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लिखता है। लिखने दीजिए लोकल होस्ट, उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर किसको करना चाहता है स्कूल को, तो इस कंट्रोलर का नाम हो गया स्कूल है ना, तो जाएगा स्कूल के अंदर। अब स्कूल के अंदर पुगने के बाद में उसे मिल गया दो, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे तो किसको कॉल हो जाएगा, वो इंडेक्स को कॉल हो जाएगा, इसको कॉल कर देगा। लेकिन अगर उसको इसको कॉल ना करके अगर इसको कॉल करना है तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जो इसका नाम है ब्लॉग है, ये आपको आता भी है ब्लॉग होगा। इतना कर लेगा तो क्या हो जाएगा कि अब वो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नाम पास किया गया है तो जो नाम पास किया गया है ना उसी नाम से एक यहाँ पे उसको नाम भी पास करना होगा, कोई नाम यहाँ पे सेलेक्ट देके नाम। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं पास किया है यहाँ पे तो यहाँ पे फिर लिखने कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर इतना ही काफ़ी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसे यहाँ से क्या बोलते हैं यहाँ से इतना करना काम करना होता है एक चीज़। लेकिन और अभी मैंने इंडेक्स को रिमूव नहीं किया यहाँ से, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स भी लिखना होता है ब्लॉग से पहले। तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही जल्द कि ये किस तरीके से काम करता है। वो एक चीज़ मैंने तो भूल ही गया, क्या भूल नहीं गया मतलब भूल ही गया समझ लीजिए, जब आप लोकल होस्ट लिखते हैं ना यहाँ पे तो लाइव में तो नहीं होता, जो आप वहाँ पे लिखेंगे तो लोकल होस्ट के बाद में आप पहले लिखेंगे इस फोल्डर का नाम जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर है, उसके बाद में सारा काम करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी होगा, जी छूट गया, उसके बाद में यहाँ पे भी वही सेम काम होगा। लेकिन ये जो है ना ये हमारी सिर्फ लोकल होस्ट लोकल ब्राउजर पे काम करेगा इस तरीके से, लेकिन जब हम लाइव काम करेंगे ना तो यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं होगा, लाइव में होगा आपका डोमेन का नाम होगा domain.com, और उसके बाद में ये जो फाइल है ना ये नहीं होगा वहाँ पे, जो सिर्फ इतना ही होगा कि जो आपका मेन फाइल हो गया यहाँ तक है और ये डोमेन का नाम, ये आपका ये मेन फाइल हो गया यहाँ तक है, ये आपका फाइल का नाम, ये आपका सर्वर का नाम, अपने कंप्यूटर का सर्वर का नाम। तो इस तरीके से काम करता है। तो ये किस तरीके से काम करता है हम एक यहाँ पे यहाँ बना के भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर दिया और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ योर नेम इज़ राम। अब मैं यहाँ पे जब इसे रन करूँगा इस वाले पेज को तो क्या दिखाई देगा देखते हैं। ब्राउज़र पे आ गया, मिनिमाइज कर लिया इसको, ये देखिए यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे है ना, अभी फ़िलहाल स्कूल के अंदर ब्लॉक के अंदर है, देखकर ये देखिए सेम वही लिखा है। लेकिन जो ये इंडेक्स और PHP है ना इसको नहीं लिखना पड़ेगा हमें, अभी तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन जल्द ही इसको मैं रिमूव कर दूंगा। किस तरीके से रिमूव करते हैं मैं जल्दी ही सिखाऊंगा आपको। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ राम यहाँ पे आ गया, यानी कि पहले गया लोकल होस्ट के अंदर इस फाइल के अंदर, फाइल के बाद में इसे लिखना हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखना पड़ेगा। अब जाएगा मेथड के अंदर चला गया जो हमारा मेन फाइल कंट्रोलर का नाम है स्कूल, उसके बाद में चला जाएगा इसके अंदर जो मेथड है दो, अगर ये ब्लॉग नहीं लिखा गया तो क्या कर देगा वो कॉल कर देगा, लेकिन जो इंडेक्स वाला होगा इसको कॉल कर दिया। लेकिन अगर हमें इसको कॉल करवाना है तो इसको नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे सलेस ब्लॉग, अब देखिए इसका नाम आ गया। लेकिन क्या होता है कि ये इस तरीके से काम करता है, आपको पहले से ही पता है इतना सारा कुछ। और जो इंडेक्स का मसला है ना ये यहाँ पर मैंने बता दे वक्त क्या गया था, इंडेक्स नहीं लिखा था, तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें इंडेक्स का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हम इंडेक्स को मूव कर देंगे या फिर रिमूव कर देंगे, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ लाइव वेबसाइट, मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए खुल रहा है। मैं अभी फ़िलहाल नेपाल में नहीं हूँ, मैं चाइना में हूँ ना, तो इसीलिए मेरा थोड़ा VPN का मसला हो सकता है।
अब देखिए ये हो गया ना। अब यहाँ पे मैं किसी भी और पेज पे जाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये जो index.php, जैसे कि मैं दूसरा भी दिखा सकता हूँ आपको, हिमालय फाउंडेशन, ये सारा मेरा ही बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। ऐसे बहुत भी है आप मेरा बनाया हुआ, लेकिन मुझे ज़्यादा डोमेन से याद नहीं होता नाम। मैं लाइव काम करता हूँ, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो सिखाता हूँ आपको पूरा प्रोफेशनली तरीके से सिखाऊँ। देखिए ये हो गया, ये है HDLF। अब इसके बाद यहाँ पे हम जब सी मोड पे करेंगे तो चला जाएगा, आप चलाएंगे दूसरे पेज पे। लेकिन देखिए आपको कहीं भी इंडेक्स दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने index.php जो है ना, जो .php का होता ना यहाँ बीच पे, आप लिखें तो भी आएगा आंसर, ये नहीं कि नहीं आएगा। देखिए इंटर करिए फिर भी आ रहा, लेकिन मैंने .php है मैं इसको हटा देता हूँ। यही सब खूबसूरती है इसका भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आप इस तरीके से काम करते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग करवाते हैं बाद में तो लाइफ, तो उसे इंडेक्स नहीं लिखना पड़ता। तो जो अभी हम फिलहाल यहाँ पर लिख रहे हैं, हम बाद में उसे नहीं लिखेंगे, अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको रिव्यू कर दूँगा। अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि इतना सारा कुछ करें। तो और दूसरी बात है कि जो हम पैरामीटर का बात कर रहे थे, ये तो हो गया। अभी जो पैरामीटर का बात कर रहे थे, नाम किसी चीज़ का, क्योंकि अभी तो हम तो यहाँ तक काम किए ना सिर्फ, लेकिन जो ये पैरामीटर का काम है ये क्या है। तो आप पैरामीटर पास करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग किया है तो आपको पता होगा, पैरामीटर हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर काम पास किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नाम का एक पास कर दिया, आपकी जो मर्जी, आप नाम नहीं नेम एन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जो आप चाहें वो पास करें। लेकिन जो आप पास कर रहे हैं उसको यहाँ पे प्रिंट भी करवाना होगा, चाहे यहाँ पे करवाएं चाहे यहाँ पे करवाएं कहीं पे, लेकिन इसके अंदर आपको उसको प्रिंट भी करवाना होगा। जैसे कि यहाँ पे एन लिखा, तो मैं यहाँ पे .en लिख दूंगा, सेम वही कॉपी कर दूंगा, हो गया ना। तो अब जैसे ये वाला वाले जब हमने पैरामीटर भी लगा दिया, यानी कि इसी को बोलते हैं पैरामीटर पास करना। तो यहाँ से पास करने का मतलब इसके अंदर पास करना होता है। तो अब हम जो यहाँ पे पास करेंगे ना, यहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि जो हम इसका पैरामीटर का यहाँ पे नाम दे रहे थे ना URL में, वो नाम अब क्या होगा, इसके अंदर आके प्रिंट हो जाएगा। इस पर जाते हैं, देखते हैं, ये हमारा ब्लॉग है। अब इस पर डाट हम एक सले देखिए, एक URL देखिए, अपना नाम दे रहा हूँ मैं, ये देखिए। मैंने पहले एक नाम था ऐसा, उसको नाम को हटा दिया हूँ बस, ये देखिए योर नेम इज राजेश। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो नाम पास कर रहे हैं ना, खुमार, अब वहाँ पे खुमार आएगा। देखिए ये क्या हो रहा है कि जो नाम आप यहाँ से पास कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि आप वहाँ से नहीं, आप यहाँ से पास कर रहे हैं, वही सेम यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो भी आएगा वहाँ से यहाँ पर आगे प्रिंट हो जाएगा। चाहे यहाँ पर नाम लिखेंगे तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, देखिए, लेकिन ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों ये। अब आप रिफ्रेश करवाइए, देखिए सेम आ गया। तो इस तरीके से आप URL आपका भी काम करता है अपने कोऑर्डिनेटर में। तो इसी तरीके से हमें सिर्फ URL का जब हमें पढ़ना आना, तो हमें और किसी से मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ मतलब सिर्फ दो ही से रखना है, एक कन्फिग से, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी यहाँ से। एक हमें कन्फिग से मतलब होता है, एक बार फर्स्ट टाइम जो आपके वेबसाइट में आता है वो कन्फिग में आकर रूट पे जाता है सबसे पहले, उसके बाद में जो यहाँ पे नाम होगा वहाँ पे जाता है पहली बार, इस नाम का कंट्रोल पे जाएगा पहली बार, इस पे आ जाएगा। उसके अलावा जब दूसरी बार वो इसके अंदर जाना चाहता है, जैसे कि ये हो गया, तो जो देखिए जो पहली बार आया है ना इस पेज पे, तो ये पेज पे राउटिंग किया है, वहाँ पे जो राउटिंग किया होगा ना वो किया है यहाँ से, कि पहली बार वो इसी पेज पे जाए, इस पेज का नाम यहाँ पे लिखा है। तो उस पेज का मैंने नाम लिखा था HDLF, यानी इस पेज का नाम लिखा है HDLF, यानी कि वो HDLF पे पहुँच गया। ये देखिए ऊपर यहाँ पे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसका नाम, यहाँ पे HDLF, इसी नाम का मैंने फाइल बनाया था एक, जिस पे होम रखा था सारा कुछ। तो यहाँ पे आप मैंने HDLF लिखा था, तो क्या हुआ था कि वो कोड सारा यहाँ पे एक बनाया था कंट्रोल, उसके बाद में उस नाम का था HDLF नाम का, तो यहाँ पे सारा कॉल किया था उसमें, यहाँ पे आ हो गया था। तो इस तरीके से ये काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, आपको अच्छी भी लगी होगी वीडियो, तो अच्छी और समझ भी आया तो लाइक भी कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से हमें मालूम चल जाता कि
मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या मुझे और बेटर बनाना चाहिए, मैं क्या करूँ कि बेटर हो जाए, ये सारा हमें आइडिया मिलता है आपके ही ज़रिए। तो अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको कहीं कुछ और जानना है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ It's 2 o'clock. रिकमेंड भी कर दीजिए। और मैं और क्या कहूँ, और जब जब भी आपको कुछ भी जानना हो तो मुझे डायरेक्टली आप इसमें कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको हमेशा अपने उस पर देता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी है ITTechnology202 @gmail.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसी ईमेल पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगा आपका प्रॉब्लम, 100% गारंटी लेता हूँ मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो वीडियो लेंथी ना करते हुए मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नया कोर्स के साथ। तो टाइटून, गुड बाय।